गुरु प्यारी साध संगत जी, तंता योग हो जो आप संध्या वेले तो लेकर के हुण तक गुरु दरबार विच हाजर होके गुरु हर जस कीर्तन गायन अते सरवन कर रहे सो, हाथ जोड़ सा नमर सारे ही गज के फतेह बुलाओ जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कीर्तन प्रारंभ करने तो पहला सारे ही सिर्फ मन नु एकागर करन वास्ते वाहेगुरु का सिमरन कर लिए। सिमरन करन लग्या संगत प्रति बेनती है कि सारे ही हाथ जोड़ के चौकड़ा मार के नेत्र बंद करके पर ध्यान गुरचरना नाल जोड़ के दासरे दे नाल उच्ची आवाज गायन करो। करो कृपा। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु जपो। वाहे गुरु, 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 ओ वाहे गुरु जपो। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, हाँ वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु। वार वार जाओ गुर को पा, वार वार जाओ गुर को पा, वार वार जाओ गुर को पा, हो वार वार जाओ गुर को पा, मोह निर्गुण तुम पूरन दाते, मोह निर्गुण तुम पूरन दाते, दीनानाथ दया
उठत बैठत सोत जागत, उठत बैठत सोत जागत, उठत बैठत सोत जागत, जी प्राण तन मान। दर्शन प्यास बहुत मन मेरे, दर्शन प्यास बहुत मेरे, नानक दर्श सत्संग जी, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के उपराला सदका नारंग परिवार अते छावड़ा परिवार जिन्होंने बहुत ही शलाघायोग उपराला किया, साहेब कमाल श्री गुरु नानक पातशाह जी का 550 प्रकाश पुरब मनाने का उपराला किया, आप सारे धनता योग हो जिन्हों के जिंदगी दे 550 साल आए ने। ऐसे गुरु की वडियाई, गुरु की महिमा आप सारे ने रल मिल के गानी है, करनी है। इस शब्द राही मन नु एकाग्र कर दे, आप जी ने दास दे नाल गाने की कोशिश करनी। मेरा ख्याल है यह शब्द हर किसी नु याद है, आप सारे रल मिल के दास दे नाल उच्ची आवाज च गायन करो, करो कृपा। गुरु नानक की वडियाई, गुरु नानक की वडियाई, गुरु नानक की वडियाई, प्रगट भई सगले जुग अंतर, प्रगट भई
जेड़ा के तन दी मैल नू धोंदा है, इशनान करन लगे तन दी मैल उतर दी है, पर एक इशनान मन दी मैल नू धोंदा है, ओ की शब्द रहे, फिर की होंदा है, जे मन दी मैल उतर गई ना, एक यकीन करके जाने के कोटान कोट जितने भी रोग तेरे मन नू लगे ने ना और छिन मात्र च दूर हो जाते हैं। गज के आखो सतनाम श्री कर इशनान सिमर प्रभ अपना, कर इशनान सिमर प्रभ अपना, मन तन भाए अरो शरीर
प्रगटे भाले संजोगा प्रगट भई सगले जुग अंतर प्रगट भई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडिया सगले जुग अंतर गुरु नानक
गुरु नानक की
आई। ये पंक्ति सारे ही अंतर ध्यान होके उच्ची आवाज च सारे ही गायन करो। क्या पता किसे दा गावया, किसे दा सुनया, किसे दा पढ़िया थाए पै जावे ते ओ भी नदरी नदर निहाल हो जावे। गज के आखो सतनाम श्री गुरु नानक की बढ़ियाई। गुरु नानक की बढ़ियाई। गुरु नानक की बढ़ियाई। गुरु नानक की बढ़ियाई। प्रगट सगले जुग अंतर। प्रगट भई सगले जुग अंतर। प्रगट भई सगले जुग अंतर। संग जी ये जेड़ा हुण शब्द पढ़न लगे हैं, दास दे पिता जी बहुत ही वैरागमई अंदाज च ये शब्द पढ़दे हुंदे सन। खासकर ये शब्द उस वेले पुराने जमाने च जलंधर रेडियो तो बहुत ही आंदा हुंदा सी। जेड़े पुराने बुजुर्ग बैठे ने वो जरूर इस शब्द नूं सुणदे होणे। सारे ही अंतर ध्यान होके जब तुसी ए पुकार अपने वास्ते गुरु के चरणां च करोगे ना, मजबूरन उसनू तुहाडे समक्ष आना ही पैणा। मगर उहदे वास्ते साडी भावना, साडा हिरदा कैसा है, भावना नू फल ने, जैसी भावना वैसा फल। सारे ही अंतर ध्यान होके अपनी भावना गुरु के चरणा च रख दें। बेनती करनी है कि इस शब्द राही सारे ही गायन करो। प्रभु जियो देवो दर्शन आपना। प्रभु जियो आपना।
प्रभु जियो देवो दर्शन आपना सो कीती अरदास कीती उस अकाल पुरख वाहिगुरु ने मेरी पुकार सुन भी ली बुलावा भेजता और मैं चाई चाई जा वजिया गुरु के द्वारे ऐ मेरे
धन भाग परमात्मा आपने मैनू याद किया, मेरे धन भाग जे मैं तेरे दर्शनों नू आया। फिर मैं जल चलिया उतों तेरे दर्शनों वास्ते कि मैं ये भी मंगागा, मैं वह भी मंगागा। पर जब मैं उत्थे पहुंचया फिर की होया, प्रभ देख दे दुख भूख गई, प्रभ देख दे दुख भूख गई, प्रभ देख दे दुख भूख गई, प्रभ देख दे दुख भूख गई। ढाडी को मंगण चित न आवे, ढाडी को मंगण चित न आवे। जब दीदार किते उस अकाल पुरख दे जेड़े मन दे वलवले सन्ना सरे सारे दे सारे तरे रह गए। भुल गया मैं की मंगण आया सी, इको एक नजारा कि मैं ओदे दर्शन कर दिया, सुध की ना सुध रही ते बुध की ना बुध रही। प्रभ देख दे दुख भूख गई, प्रभ देख दे दुख भूख गई, ढाडी को मंगण चित न आवे, ढाडी को मंगण चित न आवे। प्रभ जियो दर्शन आपना, प्रभु जियो देवो दर्शन आपना, देवो दर्शन आपना। जद निरंकार ने देखिया इत लाजवाब हो गया, बोलता नहीं पाया। फिर की कीता, बिना बोलिया बिना मंगिया मेरे मन की ओने बुझ ली। जित ढाडी त्रिपता वै,
जे शब्द सुन के वाकई मैं बैरागे च आया है। ए पंक्ति सारे ही अंतर ध्यानों के उच्ची आवाज च गायन करो, करो कृपा। प्रभु जियो देवो दर्शन आपना, प्रभु जियो जपो देवो दर्शन आपना, प्रभु जियो दर्शन आपना। गुरु रूप सत्संग जी सारे ही रल मिलके साहिबे कमाल पहली पातशाही श्री गुरु नानक पातशाह जी महाराज जी का प्रकाश पुरब 550 साल रल मिलके मना रहे हैं। एक वेर दी गल है, भाई मर्दाना जी पातशाह दे नाल सदा साथ ही रहे। कहंदे ने कोई नगर आ गया, नगर दे नाल दूसरी जू लगदी सी भाई मर्दाने दे पिंड दी। मर्दाना जी कहन लगे, पातशाह आप ते सर्व कला समर्थ, आप नूं ना ते भुख ना प्यास ना दुनियादारी, बस आप ते अकाल पुरख दे रूप दे विच रिच मिच गए हो। ए जिहड़ा नगर आया है, इस नगर दे नाल ही मेरा घर है। जे आप जी दी आग्या होवे मैं भी अपने बच्चियां नूं मिलावां। साल तो उपर हो गया जद पातशाह ने ए बचन सुने, मुस्कुरा पे। अच्छा बच्चा नू मिलना है, होआ पर छेती मुड़ाई। हुण ए लाजमी है क्योंकि दुनियादारी है, जब साल बंदा बाहर रवे और घर नू वापस जावे ते मन च इच्छा होंदी है कि मैं कुछ ना कुछ बच्चियां वास्ते लेके जावां। भाई मर्दाना जी ने थोड़ी देर बाद फिर हाथ जोड़ के पातशाह नूं बेनती की, जे आप जी की आग्या होवे ते मैं बच्चियां नूं मिलावां। पातशाह ने फिर मुस्कुरा के कहा, हो आ भाई छेती मुड़ आई। थोड़ी देर बाद फिर यही बचन भाई मर्दाना जी ने दोहराए। हुण पातशाह रमत जानदे सन, भाई मर्दाना जी कहन लगे, पातशाह मैनू साल हो गया आप जी दे नाल विचरदे आ, घर जावांगे ते बच्चे कहणगे की लैके आए, कुछ बख्शिश करो। कहंदे ने जिस आसन ते पातशाह बैठे सन गोडा चुकिया, उस आसन दे थल्यो भुख भरी रोड़ियां दी मुठ्ठी बंद कीती। भाई मर्दाना जी नूं कहन लगे, भाई मर्दाना ऐ लै कुछ रोड़ियां चोली कर, रस्ते च किते भी ना खोली, घर जाके खोली। भाई मर्दाना जी ने पल्लू कीता, पातशाह ने बुक भर के ओदी झोली च पार दिती। मर्दाना जी ने पोटली जी बन्नी मोढ़े ते रख ली ते तुर पे।
रस्ते च आपस च ही गल्ला करदा जा रहा भाई मरदाना जी। साल बाद जा रहे हैं, बच्चे पूछणगे की लैके आए, तो मैं की दसांगा कि यह रोड़ियां लैके आया, यह मिट्टी कट्टा लैके आया। पर पातशाह ने कहा कि घर जाके खोली, रस्ते च ना खोली, घर आ गया। जब बच्चिया ने देखा कि बापू आया साला बदी, आले दुआले ओदे बैठ गए। बच्चे नू चाह होंदा है कि मेरा प्यो आया तो की लैके आया, पत्नी भी आ गई। हुण भाई मरदाना जी ने वो जिहड़ी छोटी जी पोटली सी ना पत्नी नू दित्ती, पुछन लगी की कुछ लैके आए हो। भाई मरदाना जी कहन लगे ये रोड़ियां लैके आया, जा अंदर रख दे। हुण छोटी जी पोटली लैके अंदर जद गई तो जाके की देखिया, खोल के देखिया वो रोड़ियां नहीं सन, दुनिया दे बेशकीमती हीरे जवाहरात उस पोटली दे विच सन। पातशाह दी नजर ही ऐसी, जे मुर्दे पे एक नजर मुर्दे ते पै गई वह भी स्वर्गां च वासी हो जाता। ये ते रूढ़ियां सन, बुक भर के जेकर मरदाने नूं दे दित्ती ते वह भी कीमती हीरे जवाहरात बन गया। पाओ मेरा गुरु ऐसा देवता है, देवता देव जिहड़ा के देंदा ही देंदा, लैंदा कुछ नहीं, लैंदा है सिर्फ एक मन बंदगी वास्ते। ऐसा बेशकीमती गुरु सासंगत जी आप नू मिले। आओ इस शब्द राही आप जी ने सारे ने दासरे नू असीस बख्शनी है। शब्द बड़ा सौखा है, रल मिलके अंतर ध्यान होके गाओ, करो कृपा। नहीं को देव गुर जैसा, नहीं को देव जिस मस्तक भाग सोलागा से नहीं को देव जिस मस्तक बाग सोलागा सेव गुर जैसा। सतगुर मेरा बेमोताज, सतगुर मेरे सच्चा साज, सतगुर मेरे सच्चा सतगुर मेरा सबस का दाता, सतगुर मेरा पुरख विदाता, सतगुर मेरा पुरख विदाता गुर जैसा।
मस्तक भाग सोलागा से गुरु जैसा नहीं को देव जिस मस्तक भाग सोलागा से सतगुरु मेरा सर्व प्रतपाल सतगुरु मेरा मार जीवाल सतगुरु मेरा मार जीवा सतगुरु मेरे की वडियाई प्रकट भई है सबनी थाई प्रकट भई है सबनी नहीं को देव जिस मस्तक भाग सोलागा से गुरु जैसा नहीं को देव जिस मस्तक भाग सोलागा से सतगुरु सतगुर के हो सद बल जाया प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया प्रगट मार्ग जिन कर नहीं को देव
सतगुरु सेविया तिस भो न बिया पे जिन गुर सेविया तिस दुख न संतापे जिन गुर सेविया तिस दुख न हो गया है साढ़े बहुत ही सत्कार योग भाई साहब भाई राय सिंह जी हजूरी रागी दरबार साहब श्री अमृतसर साहब वो आप जी दे समक्ष हाजिर हो गए जब तक वो दरबार सुशोभित होते ने सिर्फ दो तीन मिनट वास्ते सारे ही रल मिल के आपने ये शब्द गायन करना है इस तो बात समाप्ति करो कृपा
जे वस्त मंगी है साई पाई है, जे नाम चित लाई है। जे वस्त मंगी है साई पाई है, जे नाम चित लाई है। जे वस्त मंगी है साई पाई है, जे नाम चित लाई है। जे नाम चित लाई है, नाम चित लाई है जपो जे वस्त मंगी है।
कोटान कोट धनवाद जुगो जुग अटल साहेब कमाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का जिन्हों की छत्र छाया हेठ बैठ करके अज के ये महान कीर्तन दरबार आपने सारे ने रल मिल के मनाए ने। खासकर जेड़े ये परिवार ने श्रीमान सतनाम छाबड़ा अते सरदार इकबाल सिंह जी नारंग इन्हों परिवार ने सेवा ली है। वाहेगुरु इन्हों होर वधेरे चढ़दी कला बख्शे अपने नाम नाल अपने चरणों नाल जोड़ के रखे। कीर्तन करद्या विचार करद्या अनेक ही त्रुटियां गलतियां हो गई होनी आप बख्शना और बख्श लेना। हुण सारे ही गज के फतेह बुलाओ जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।